हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति। वेलकम टू माय चैनल पिंक सिटी ऑल इन वन। विंटर जाने वाली है, समर आने वाली है, तो समर के फूलों की तैयारी कर लें। तो जीनिया लिलीपुट मेरे हाथ में है और इसमें मिक्स फ्लावर्स हैं। जीनिया लिलीपुट जो है वो हमारा जो है समर में खिलता है। और इसकी जो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत मतलब ऐसा फ्लावर होता है जिसकी ये आप पिक्चर में देखिए बड़ा होता है। मतलब इसकी जो पत्तियां ना, पत्तियों के ऊपर पत्तियां ऐसे, मतलब एक परत दूसरी परत ऐसे लगती रहती है। तो हम इनको ग्रो करेंगे। जो भी आपको इसकी सीडलिंग कर लीजिए, अभी टाइम है। जो टेम्परेचर है वो ठीक है, अभी ज़्यादा ठंड नहीं है। तो जो भी आपको पोट दिखाई देता है खाली, उसी के आजू बाजू इनके सीड्स डाल दीजिए। तो हम मैं भी इसके सीड्स निकालती हूँ। ये निकला, देखिए इस पैकेट में है। इसको भी खोल लेते हैं। मेरे हाथ में कैमरा है, एक बार देखिए। ये देखिए, ये सीड्स हैं इसके। तो हम इसको लगा देंगे। ये देखिए, इस पोर्ट में जैसे साइड में मेरे को जगह दिख रही है, इसमें मैंने इसको लगा दिया। एक दो मैंने इसमें यहाँ लगा दिया, जहाँ आपको जगह दिखती है साइड में लगा दीजिए। ये देखिए लग गए। और किसी में देख लेते हैं। और गुलाब के साथ में लगा देते हैं। मेरा जो लॉन दिख रहा है नीचे, इसमें तो मैं ऐसे ही फेंक दूंगी ये। और यहाँ पे क्या होता है, कपड़ों का पानी गिरता रहता है और ये अपने आप उगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो गर्मियों की तैयारी करिए आप भी। और बाकी भी जिसमें मैं जगह दिखती है, मैं इसमें इसको लगा दूंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। और इसकी सीड जो है 10 दिन में जर्मिनेट हो जाएंगी। इसके बाद में हम देखते हैं, हम बताएंगे इसको आपकी क्या केयर करनी होगी। मार्च तक ये जो आपके तैयार हो जाएंगे। गर्मियों वाले जितने भी प्लांट्स हैं वो मार्च तक तैयार हो जाएंगे। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।